नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज तारीख है जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा, इसका कंपैरिजन करते हैं 2021 के साथ। हालांकि किसी भी जातक की कोई भी साल का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसी भी दो जातकों का कुंडली का भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि किसी की बलवान है, किसकी बलवान है, इसकी बलवान है कि इसकी बलवान है, सब अपने अपनी जगह पे बराबर हैं। फिर भी ये करने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि जो 2021 के अंदर ये जो कोरोना महामारी के कारण लोगों के जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। सामान्य तौर से जैसे बोलते कि आर्थिक परिस्थिति भी लोगों की बहुत ख़राब हो गई है, बिजनेस करियर सबके डाउन हो गए हैं, लग्जरियस इंडस्ट्री भी बंद हो गई थी, धीरे धीरे अब चालू हो रही है। तो ये सब जो परिस्थिति है ये 2021 में क्यों हुआ, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो देखे तो हम ये कंपैरिजन करना है कि अभी ये पूर्ववत पहले जैसा चालू कब होगा, या तो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि नहीं 2022 के अंदर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर। तो 2021 जो है इसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल होता है 5, और 5 जो है ये बुध ग्रह के अंडर में आता है। अब बुध जो है वो सौर मंडल के अंदर सूर्य से सबसे नज़दीक रहने वाले ग्रह हैं। तो जो बुध का प्रभाव है ये खास करके लोगों की बुद्धि बताव के ऊपर रहता है, इंटेलिजेंस के ऊपर रहता है, और तर्क के ऊपर रहता है, लॉजिक के ऊपर रहता है। जबकि ये जो चालू होने वाला है, आज से चालू जो हो गया है 1 जनवरी से 2022, ये 2022 का अंदर 3-2 का आंकड़ा है, 2-0-2-2, यानी कि इसका टोटल होता है 6, और 6 जो है ये न्यूमरोलॉजी के अंदर वीनस ग्रह के प्रभाव में है, शुक्र ग्रह के प्रभाव में है। इसका जो लॉर्ड है 6 नंबर का, ये शुक्र है। अब शुक्र आपको मालूम है कि शुक्र सबसे नज़दीक रहने वाला ग्रह, जो पृथ्वी से नज़दीक दो ग्रह हैं चंद्र और शुक्र। तो शुक्र का तारा भी, जब शुक्र अस्त नहीं होता है तब हमें शुक्र का तारा भी शाम को देखने को अपनी आँख से हम देख सकते हैं। तो शुक्र जो है, वीनस जो है, इसको ये रोमन देवी के नाम से उनको नाम दिया गया है वीनस का। तो ये वीनस हमारे शास्त्र के हिसाब से इसको शुक्र बोलते हैं। तो शुक्र का जो ग्रह है ये एक प्रकार से लग्जरी का कारक माना गया है, अपने वंशवृद्धि के कारक माने गए हैं, डेवलपमेंट के कारक माने गए हैं। अब वीनस इस नंबर शुक्र 6 नंबर का जो है ये 2022 यानी कि नंबर 6, तो 6 यानी डेवलपमेंट, 6 यानी विकास। तो आने वाले समय में सामान्य लोगों को भी ये देखने को मिलेगा कि अब जो पहले की तरह जो परिस्थिति है धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी, जैसे कि सिविल एविएशन है, होटल इंडस्ट्री है, होटल मोटल रेस्टोरेंट्स, ये जो सब काम सबके खड़े हो गए थे, बंद हो गए थे या बंद है अभी भी, तो अब ये धीमी गति से चालू होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी ये 2022 करने वाला है। तो 2022 में जो इसकी जो मालिक है शुक्र, शुक्र माने प्रेम संबंध, लव, विवाह, तो जो भी जातक मैरिज रिलेटेड मैरिज के लायक हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, तो उनको भी कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा। और जो लव रिलेशनशिप में है या उनके प्रेम में वृद्धि होगी, और जिनके पास कोई नहीं है उनको भी कोई अच्छा, इनके जो ग्रह इनके सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर भी अपने ग्रह भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन अपने ग्रह भी सपोर्ट करते हैं तब जाके हमको परिस्थिति का वास्तविक रूप से
हमको उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि 2021 के मुकाबले 2022 का जो साल है, नया साल कुछ ज़बरदस्त आशा लेके आया है और ये होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और जो दुनिया पूर्ववत जो पहले से डिस्टर्ब हो गई थी, अब ये पूर्ववत सिचुएशन चालू हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। मतलब इस पाथ पे हम चलने वाले हैं, जो पूर्ववत परिस्थिति हो गई थी, बंद हो गई थी जो परिस्थिति, अब ये पूर्ववत परिस्थिति भी चालू हो जाए तो भी काफ़ी बेहतर सिचुएशन आने वाले समय में मानी जाएगी। तो वीनस जो 6 नंबर है, ये हमको पूर्ववत परिस्थिति के अंदर लाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और उसके बाद जो वीनस है, ये आर्ट, कला, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब के भी कारक माने गए हैं। तो ये सेक्टर के अंदर भी आपको अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस साल के अंदर नए नए आर्टिस्ट उभर के आएंगे, नई नई अपनी कला लेके, और अच्छी अच्छी फिल्में भी आएंगी इस समय के दरमियान। अच्छे अच्छे नाटक भी ये साल के अंदर आएंगे और अच्छे ऑथर भी आपको नए मिलेंगे। तो आने वाला समय जो है वो ये साल जो है आर्टिस्टों का साल, कलाकारों का साल भी बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं हम सब का आने वाला 2022 का साल आशा भरा है, उमंग भरा है और नया डेवलपमेंट करवाने वाला है। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। इस प्रेडिक्शन को आप अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और ज्ञान मिले। नमस्कार।